जी आयानू प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th दी क्लास दी मैथ दी बुक, न्यू बुक जड़ी हैगी नवी वाली, ओदा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1 ते अगले तीन क्वेश्चंस 7 8 एंड 9 इस वीडियो विच असी करांगे। सो तुसी वीडियो नु बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। सॉल्यूशंस नु आंसर्स नु अपनी नोटबुक विच उतार लो और बाद विचों सारे क्वेश्चंस नु अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज बच्चों कहते इन पैरेललोग्राम बी ई एस टी। सो है बी ई एस टी, एंगल बी इज गुड 105 डिग्री। एंगल बी जो है 105 डिग्री है। ठीक है, कहते फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। इस क्वाड्रिलेटरल दे बाकी सारे जड़े एंगल्स ने, तीन बचे ने, वो सारे पता करो। सो इस तरह शुरू करने बच्चों, आंसर गिवन दिता हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। फिर लिखना है वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। बच्चों जिवें तुहानू पहले दस्सिया कि एडजेसेंट एंगल्स दे चार पेयर होंदे ने, जिदा बी ई एक पेयर हो गया, ई एस एक पेयर हो गया, एस टी तीजा पेयर हो गया, टी और बी चौथा पेयर हो गया। सो चारों पेयर तुसी जिहड़े लवोगे उन्हां दा जिहड़ा जोड़ करोगे 180 डिग्री आएगा। ए पैरेललोग्राम दी एक क्वालिटी है, उहदा एक फीचर है, ए सानू याद होना चाहिए। सो ए लिखना इदां, वी नो दैट दी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर इस करके एंगल बी ते जमा एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी 105 डिग्री दिता है, सो वी राइट हेयर 105 डिग्री प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ई की हो जाएगा, दस एंगल ई इज इक्वल टू 105 डिग्री राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। यह साडा आ गया एक एंगल ई। ठीक है, हुण बच्चों बी दे नाल या टी है यह भी एडजस्टेंट पेयर बनाता है। सो हुण असीं इहनूं एडजस्टेंट पेयर लैके चलांगे। देखो एंड एंगल बी प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम जो रीजन है जो पहले देता है अपन, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अगेन एंगल बी 105 डिग्री लिख देंगे, इतने एंगल टी इस तरह रहेगा इज इक्वल टू 180। सो एंगल टी की हो जाएगा 105 डिग्री राइट हैंड साइड से जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो साडे कोल एवला एंगल भी आ गया, एवला एंगल भी आ गया। हुण ए तो बच्चे सौखा है, वी आल्सो इतने लिखना, वी आल्सो नो दैट दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। B इज इक्वल टू S एंड E इज इक्वल टू T। सो S इज इक्वल टू B एंड B इज 105 डिग्री। सो यानी सो एंगल S इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो असी सारे एंगल पता लगा ले, 105 डिग्री है, दिस इज 75 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड X एंड Y इन दी फॉलोइंग पैरेलल। सो पार्ट वन की है, इन्होंने दिता है बच्चों इस तरह एंगल दिते ने 5y, फिर 80, 4x, 100। ठीक है, सो यदा लिखना है वी आल्सो नो दैट दी ऑपोजिट, आल्सो नो नहीं, वी इतने आल्सो तो कहने नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक होगी बच्चों, क्योंकि पहले गलती भी की नहीं अपना, इतने है वी नो आल्सो नहीं, क्योंकि पहले तो गल है ही नहीं है, टाइपिंग से गलती ना टाइप हो गया। वी नो दैट दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इत्थे जड़ा है इन दिस केस एवली क्वालिटी पैरेललोग्राम दी यूज होएगी। सो इस करके 4x, 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो x की हो जाएगा 80 अपॉन 4, सो 4 टू द 8 400, सो 20 डिग्री। x दी वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है जी, फिर आ गया 5y इज इक्वल टू 100 डिग्री। 5y इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, सो 5 टू द 20, 5 टू द 10, 500, 20 डिग्री। सो x दी वैल्यू 20 आ गई ते y दी वैल्यू भी 20 आ गई। सो ए हो गया बच्चा पार्ट वन, कितना आसान सी। देखो एक सिंपल, सानू अगर ए गल पता होवे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ते ए गल किन्नी सौखी सी। ठीक है ना, असी मतलब बेवजह ही समझते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, यहोजी कोई गल नहीं हैगी, असी कोशिश नहीं करते। हूँ तुम्हें वीडियो बना के
एक एक सवाल करके बोल के समझा के एक एक स्टेप करके समझा देता है। बस तुसी एक बार वीडियो देखना है, आंसर्स नोट डाउन कर लेना है, ते बाद चो एक बारी घट तो घट एक बारी यह सवाल अपने पढ़ लेने ने, ते देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अगला देखिए सवाल पार्ट टू, ठीक है। इतने ही बच्चों वो क्योंकि मैं कॉपी की थी सी स्लाइड, सो इस करके इतने भी आलसो आ गए थे, आलसो नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, टाइपिंग की मिस्टेक होगी मेरे को, ठीक है। सो इतने अगेन फाइंड एक्स एंड वाई, सो वी नो दैट दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल्स ही वाले थे सारी एंगल्स ही वाले चारों, ठीक है ना। सो थ्री एक्स है इज इक्वल टू 60, सो एक्स इज इक्वल टू 60 अपॉन 3, 3 टू द 6 300 20 डिग्री, लो जी इतना सौखा, पूरे बटा पूरे नंबर, ठीक है ना। सो 5 बाई इज इक्वल टू 120, 5 बाई इज इक्वल टू 120, सो वाई इज इक्वल टू 120 अपॉन 5, सो 5 दूनी 10, 12 चो 10 गया 2, 0 थले आ गया 20, सो 5 फोर द 20, 24 डिग्री, सो वाई इज इक्वल 24, एक्स इज इक्वल 20, लो ये हो गया, इतना सिंपल है, कोई ऐसी गलती नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके एवं डिफरेंट टाइप का इच डिफरेंट जड़ा है क्वालिटी यूज होगी पैरेललोग्राम की। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिता नहीं उन्होंने, असी बनाना है, ठीक है बच्चों। जो भी डायग्राम ना दिता हो इस तरह तो डायग्राम बन सकता हो, मतलब ज्योमेट्री के जुड़िया हो, हमेशा डायग्राम जरूर बनाओ, वो नंबर ज़्यादा मिलते हैं, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो वो मिसटेक होने की जी पॉसिबिलिटी है वो भी घट जाती है, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगनल्स ए सी एंड बी डी, डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए ओ इंटरसेक्ट मैंने एक दूसरे कट देने, वो तो कट देने क्रॉस कर देने, इफ ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी है पूरा डायगनल इज 12 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देन फाइंड ओ ए एंड ओ डी, ओ ए एंड ओ डी, बहुत ही आसान सवाल है इफ यू अंडरस्टैंड दी क्वालिटीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो इन द फिगर, इधर लिखना इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, फिर लिखना है वी नो दैट दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर। बच्चे सारी गल्लां जिहड़ी मैं कह रहा दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर दी एडजसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एड अप टू 180 डिग्री, है ना, दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, ये सारियां गल्लां तुहानू याद होनियां चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। दैट इज इहदा मतलब की है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाईसेक्ट, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेक्शन डिवाइड, दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर देने एक दूजे को, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। वी कैन ऑल्सो से दैट ए ओ इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, इस तरह भी कह सकते हैं। सो बाई सेक्ट मीन्स, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स डिवाइड, सो दे डिवाइड ईच अदर इन टू टू इक्वल पार्ट्स, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ डी बराबर ओ बी, ठीक है। सो ओ ए के बराबर हो जाएगा बच्चों, अगर ओ ए ओ सी के बराबर है तो ओ ए सी बाई टू हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा, सो ओ ए इजल टू ए सी बाई टू, तो ए सी कितना 12, 12 बाई टू इजल टू 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर, सो सिंपल। तो ओ डी जोड़ा है वो ओ डी है, ओ डी इज दिस, सो ओ डी इज हाफ ऑफ बी डी, सो बी डी अपॉन टू, बी डी कितना है 16, सो 16 अपॉन टू, 2 8 दा 16, सो 8 सेंटीमीटर, सो ओ ए इज 6 सेंटीमीटर, ओ डी इज 8 सेंटीमीटर, सो सिंपल। सो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे थोड़े क्वेश्चंस 7 8 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो तुसी इसी तरह नेम दे नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब रखा, थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।